जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार कंप्यूटर टेक संजय में। आज हम जानेंगे कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट कीज, अर्थात एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज। जितना भी हमारे शॉर्टकट कीज है जो कि हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जो भी वर्क करते हैं वो हमारे वर्क को आसान बना देती है, उन्हीं शॉर्टकट कीज के बारे में जानने वाले। सभी शॉर्टकट कीज इंपोर्टेंट हैं और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेलेक्ट जो भी हमारा शॉर्टकट की है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, विथ प्रैक्टिकल के साथ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कंट्रोल प्लस ए, सी टी आर एल। इसको कंट्रोल को सी टी आर एल को कंट्रोल पढ़ते हैं, ये बीच में प्लस है, ये आप जानते ही हैं। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, तो पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट कर लेना, अर्थात सेलेक्ट ऑल। जब भी हम अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ए तो जो भी हमारा टेक्स्ट जितना भी लिखा होगा वो सभी सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जब अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सभी हमारा क्या होगा सेलेक्ट हो गया। देखिए आपके सामने सेलेक्ट हो गया। इसी प्रकार से आप कभी भी कहीं भी कंट्रोल ए करेंगे, स्क्रीन पर करिए चाहे आप किसी भी सॉफ्टवेयर में करिए, एमएस वर्ड एक्सेल कहीं भी करेंगे कंट्रोल ए तो सभी भी आपके जितना भी टेक्स्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल ए का काम है। ठीक है, और इसका प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। देखिए इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया है। ठीक है, इस पर यदि हम करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल ए करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट है सभी क्या होगा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और इसे कहीं भी ले जाके हम जो मन करे वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल ए कवर का जान के, कंट्रोल ए मतलब क्या होता है सेलेक्ट ऑल। ठीक है, जब भी करेंगे कंट्रोल ए सेलेक्ट होगा, इसे हटाने के लिए आप साइड में कहीं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ए का जान लिए। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड नंबर पे कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, यानी टेक्स्ट बोल्ड जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा है क्या होगा सभी बोल्ड हो जाएगा। कैसे बोल्ड होगा तो देखिए हम चल रहे हैं एमएस वर्ड के और यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये हमारा टेक्स्ट है। ठीक है, इसको बोल्ड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कंट्रोल ए से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, कंट्रोल बी। ठीक है, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हमारा देखिए टेक्स्ट क्या हो गया बोल्ड हो गया आपके सामने, बोल्ड हो गया। फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो क्या हुआ फिर वो अपने अवस्था में आ गया, लेकिन यही कंट्रोल बी प्रेस कर रहे हैं हमारा टेक्स्ट क्या हो जा रहा है बोल्ड हो जा रहा। तो कंट्रोल बी का काम होता है टेक्स्ट को बोल्ड करना। ठीक है, जो भी है पतला थोड़ा मोटा हो जाता है कंट्रोल बी करने पे, तो ये रहा कंट्रोल बी का काम। ठीक है, अगला है आपका कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी करने के लिए, जो भी आपका टेक्स्ट है कंट्रोल सी करेंगे तो सभी आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। कैसे कॉपी होगा तो देखिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे तो इसके ये क्या हो गया कॉपी हो गया। कैसे मालूम पड़ेगा कॉपी हो गया, देखिए हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल क्लिक कर दिए, यही हम कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखिए पेस्ट हो गया, ये हमारा दो पेज में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया था वीडियो प्रोवाइडेड पावरफुल वे, और यहाँ भी देखिए वीडियो प्रोवाइडेड है पावरफुल वे। ठीक है, दोनों सेम है, जहाँ मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और ये नीचे चला गया पेज वन में। ठीक है, क्योंकि मेरा पेज वन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए पेज वन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज वन है, लेकिन मैं जो ही यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो क्या होगा जो भी हमारा कॉपी जो कॉपी किए हैं वो क्या होगा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी का काम होता है कॉपी करना, आप समझ गए होंगे कंट्रोल सी का काम क्या है कॉपी करना। अगला कीबोर्ड है आपके सामने कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी का काम है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेटिंग बदलने के लिए, अर्थात जो भी आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखे हैं उसमें आप चाह रहे हैं कि फॉन्ट का साइज बदलने के लिए, फॉन्ट का स्टाइल बदलने के लिए, फॉन्ट का कलर बदलने के लिए, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। देखिए हम यहीं पर प्रेस करेंगे तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने बक्सा खुल के आ जाएगा, यहाँ पर पूछ रहे आप कौन सा फॉन्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी एक फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं, कुरुतु देव चाहे कोई भी मंगल फॉन्ट कोई भी। और यहाँ पे पूछ रहा है आपका फॉन्ट के स्टाइल कैसे रहेगा, बोल्ड रहेगा कि इटैलिक रहेगा कि रेगुलर रहेगा, और यहाँ पे उसका साइज पूछ रहा है कि आपका फॉन्ट का साइज क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट का साइज हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप करेंगे देखिए सिंपल इस तरह हम चूज किए हैं कुर्ती देव तो क्या यहाँ पे इस तरह का टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप जिस प्रकार से चाहें उस प्रकार से अपने टेक्स्ट को रख सकते हैं। तो कंट्रोल टी का काम होता है टेक्स्ट को फॉन्ट जो भी हमारा फॉन्ट है उसका स्टाइल कलर और साइज चेंज करने के लिए कंट्रोल डी का कार्य होता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं हम यहाँ पर भी कंट्रोल डी करेंगे तो वही ऑप्शन खुल के आएगा और पूछ रहा है इसका कौन सा साइज चाहिए कौन सा कलर चाहिए
यहाँ पे मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ पे इसका साइज 22 है, ओके करेंगे तो उसी साइज में ये हो गया। देखिए जिस साइज में किए थे। तो कंट्रोल डी का काम होता है क्या, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैली करना, उसको जिस अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें चाहे उसमें कर सकते हैं कंट्रोल डी से। अगला है आपका कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से होता है टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए, अच्छा जो भी आपका टेक्स्ट है उसको आप सेंटर मतलब बीचों बीच करने के लिए। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे इसी के द्वारा करते होंगे, किसके द्वारा करते होंगे, देखिए होम पे आ जाएंगे आप इसके द्वारा करते होंगे, लेकिन आप कंट्रोल ई करेंगे तो आपका टेक्स्ट क्या कहाँ हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट सेंटर में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल ई है ना, कंट्रोल ई करेंगे, सबसे पहले कंट्रोल ई सेलेक्ट कर लेंगे और इसके लिए हम चल रहे हैं दूसरे पेज पे। देखिए दूसरे पेज पे आ गए और इसको देखिए यहाँ पे है, इसको हम नीचे कर ले रहे हैं, यहाँ पे नीचे आ गया। अब इसको चाह रहे हैं कि बीच सेंटर में करने के लिए, कंट्रोल ई से सेंटर होता है लेकिन सेंटर हमारा यहाँ पे होगा, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करेंगे तो जो हमारे टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं ये बीचों बीच में आ जाएगा। देखिए बीच में आ गया। तो कंट्रोल ई का काम होता है कोई भी हमारा टेक्स्ट है, वर्ड है, कुछ भी है, उसको यदि हम सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो हमारा बीचों बीच आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल ई का काम यही होता है। ठीक है, अगला पे अगला और पे चलते हैं और उसको हम जानते हैं। कंट्रोल ई टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए कंट्रोल ई का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कंट्रोल एफ फाइंड करने के लिए, था कोई भी टेक्स्ट या डाटा इमेज कुछ भी हमें खोजना है उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ तो मतलब होता है फाइंड करने के लिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी बताएंगे। कंट्रोल एफ पर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एक बगल में क्या बॉक्स खुल कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, येलो कलर में हाईलाइट कर देगा कि आपका टेक्स्ट यहाँ पर है, आप यहाँ पे जो खोज रहे हैं वो यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ, एफ लिखेंगे तो बता दे कि आपका एफ कहाँ पे। देखिए एफ लिखे तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि एफ यहाँ पर है। ठीक है, कुछ भी आप चीज़ लिखिए ना उसको आप ही हाईलाइट कर दिएगा। ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं सी, सी देखिए सी लिखते कहीं हाईलाइट कर दिया, जहाँ जहाँ पर सी होगा उसको उसको एक एक हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो यही काम होता है कंट्रोल एफ का फाइंड करने के लिए। अगर कोई भी टेक्स्ट आपको ढूंढना है तो आप कंट्रोल एफ करिए अपने कीबोर्ड में और उस टेक्स्ट को ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा है कंट्रोल एफ का काम। ठीक है, और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, देखिए इसमें आ गए और इसमें हम कंट्रोल एफ अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे और हमें यहाँ पे चूज करना है क्या, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए, ये कहाँ कहाँ है वो तुरंत इसको बदल दे। देखिए आपके की आपके जो भी ये डॉक्यूमेंट है उसमें एक इतना जगह पे लिखा है। ठीक है, और यदि हमें देखना है कि टू कहाँ कहाँ लिखा है तो हम बस यहाँ टू लिखेंगे तो सभी टू को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा टू कहाँ कहाँ पे है। तो कंट्रोल एफ का काम यही है फाइंड करना। ठीक है, जो भी हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ भी आपको लेटर वर्ड को फाइंड करने के लिए आप कंट्रोल एफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम वापस से उसी अपने स्क्रीन पे और आगे आगे वाला देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल एफ देख लिए, कंट्रोल जी देखिए, कंट्रोल जी का काम होता है सीधे किसी पेज या लाइन पर पहुंचने के लिए। ठीक है, कंट्रोल जी मतलब किसी भी पेज पे हमें जाना है, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 या किसी भी लाइन पे जाना है। ठीक है, लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। ठीक है, तो उस पर हम किस तरह जाएंगे तो अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। ठीक है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा, यहाँ पूछ रहा है पेज, यानी आप पेज पे जाना चाहते हैं कि सेक्शन पे, कि लाइन पे, कि बुक मार्क, कमेंट, फुट नोट, मानी हमें पेज पे जाना है दूसरा नंबर पेज पे, तो हम पहला पेज पे हैं आपके सामने, यहाँ पे दो था आपके, और यहाँ पे गो टू करेंगे तो हम दूसरे पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे क्लोज करेंगे, देखिए हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बैक करें, देखिए फर्स्ट पेज है और ये हमारा सेकेंड पेज है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट पेज और ये क्या है, सेकेंड पेज है। ठीक है, तो आप कंट्रोल जी का प्रयोग इसी तरह कर सकते हैं किसी भी पेज पे जाने के लिए। यदि आप चाहते हैं किसी लाइन पे जाने के लिए तो आप वहीं करेंगे, और यहाँ सेक्शन पे लाइन पे जाने के लिए लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डालेंगे तो आपको उसी पे पहुँचा देगा। तो ये रहा आपका कंट्रोल जी का काम। तो अगला टेक्स्ट अगला है आपका कंट्रोल प्लस एच, किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए। अर्थात किसी भी शब्द को रिप्लेस करना हो तो हम क्या दाबेंगे अपने कीबोर्ड में, कंट्रोल प्लस एच। जब भी दाबेंगे तो एक बॉक्स खुल के आएगा, वहाँ पे लिख इसे रिप्लेस करते हैं। कैसे करते हैं तो देखिए हम आपके सामने एक खोल लेते हैं वर्ड, देखिए यहाँ पे खोल रहे हैं। ठीक है, जब भी अपने कीबोर्ड में क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एच, जब कंट्रोल एच करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स खुल के आ गया है, यहाँ पे फाइंड व्हाट, यहाँ पे किस में रिप्लेस करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है टू, यहाँ पे ठीक है, जहाँ जहाँ टू होगा वहाँ पे क्या होगा आपका एट लिखा, देखिए यहाँ पे टू है। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे टू होगा वहाँ वहाँ पे एट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे यहाँ टू लिख दीजिए, यहाँ पे एट लिख दीजिए, यहाँ रिप्लेस करेंगे। देखिए जहाँ जहाँ आपका हो इसको ऊपर कर लीजिए, ठीक है,
और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करी, फाइंड करी, देखिए यहाँ पे टू आया, ठीक है यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे एट बन गया, देखिए यहाँ पे टू आया, फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, फिर एट बन गया, फिर यहाँ पे टू है, फिर रिप्लेस करेंगे, फिर एट बन जाएगा, फिर यहाँ पे आपका टू है, देखिए यहाँ पे और रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, एट बन जाएगा, फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, फिर यहाँ पे एट बन गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि कंट्रोल एच, कंट्रोल एच का मतलब होता है रिप्लेस, ठीक है। किसी भी शब्द की जगह पर किसी भी टेक्स्ट को लिखना उसे रिप्लेस कहा जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल एच का काम है किसी शब्द की जगह पर, यानी कोई शब्द आपने गलती लिख दी है, लिखना चाहिए टू, आपने लिख दिया ए, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप कंट्रोल एच का प्रयोग करके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल आई, कंट्रोल आई से होता है टेक्स्ट इटैलिक करने के लिए, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा करने के लिए कंट्रोल आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं अपने पेज पे, ठीक है, और इस पर हम कंट्रोल एक, सबसे पहले कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, कंट्रोल आई से हमारा जितना भी टेक्स्ट है सभी क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। देखिए कंट्रोल आई सेलेक्ट किए सभी हमारा टेक्स्ट क्या होगा, इटैलिक हो गया, यानी थोड़ा तिरछा हो गया। तो कंट्रोल आई का काम यही होता है टेक्स्ट को इटैलिक करना, थोड़ा तिरछा करना, ठीक है। फिर हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो फिर अपने अवस्था में आ जाएंगे, देखिए, ठीक है। फिर कंट्रोल आई करेंगे तो फिर हमारे जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम अपने टेक्स्ट को क्या करते हैं, इटैलिक करते हैं, ठीक है। ये हमारे सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं जिसके द्वारा आप किसी भी टेक्स्ट, किसी भी वर्ड फाइल, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, एमएस ऑफिस में अपने कार्य को अधिक से अधिक तीव्रता से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला है कंट्रोल जे, कंट्रोल जे का काम है पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। पैराग्राफ जो है हमारा वो जस्टिफाई हो जाए, देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई करने के लिए हम यहीं प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, देखिए कंट्रोल जे, देखिए तो ये हमारा जो पैराग्राफ है उसको जस्टिफाई कर देगा बीच में, ठीक है। वो जिधर चाहे उधर हम उसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल जे का काम क्या है, तो पेज को क्या करना, जस्टिफाई कर देना, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल के का वर्क होता है पेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल के क्या होता है, पेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए, तो कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट पे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के क्लिक करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक बात बता दें, आपको जहाँ पर भी हाइपरलिंक लगाना हो, ठीक है, हमें लगाना है यहाँ मेक डॉक्यूमेंट के पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट के आगे यहाँ पे अपना कर्सर क्लिक करेंगे और देखिए डॉक्यूमेंट के आगे अपना कर्सर क्लिक कर लिया, उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस के, उसके बाद एक बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे आप किसी भी फोटो, पिक्चर, इमेज, सबसे पहले यहाँ फाइल में आएंगे यहाँ पे, और फाइल में से आप जो भी चाहें उसका भी इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे एक इमेज लगा रहे हैं, फिक्सा वे इमेज, इसमें इमेज नहीं है, मतलब एक कोई भी आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, जो चाहें आप वो यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। देखिए ये आपका लिखा है फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यदि इसको हम लगाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। मतलब किसी भी फोटो का है या पेज का, मैं इसमें फोटो नहीं इसलिए नहीं लग पा रहा, ठीक है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ उसका लिंक आ गया, ठीक है। यहाँ ओके करेंगे तो देखिए ग्रीन हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट के पास में मेरा क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। और यहीं इस पर क्लिक करेंगे तो हमें उसी वहीं पर लेकर चला जाएगा जहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट है। तो यही काम होता है कंट्रोल प्लस के का, ठीक है। आप कहीं भी नेट पे या गूगल क्रोम पे या कहीं भी देखते हो तो वहाँ पर ग्रीन हो, ग्रीन रहता है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको और अंदर लेके जाता है, फिर उस पर क्लिक करते हैं तो वो अंदर और अंदर लेके जाता है। वो कंट्रोल के द्वारा होता है, जिसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। इसी के द्वारा जब इस पर यहाँ कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे इस पर, तो क्या होगा, ये हमें उसी पेज पर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो यही काम रहा है किसका, कंट्रोल के का, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिर आप चल रहे हैं अगला पे, अगला क्या है देखते हैं, कंट्रोल के समझ लिए। अब अगला है आपका कंट्रोल एल, कंट्रोल एल से हमारा क्या होता है, टेक्स्ट लेफ्ट में करने के लिए, जो भी हमारा टेक्स्ट इधर उधर है, राइट में है चाहे सेंटर में है, उसको लेफ्ट में करने के लिए कंट्रोल प्लस एल प्रेस करते हैं। कैसे प्रेस करते हैं, तो देखिए ये हमारे टेक्स्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा कंट्रोल ई, देखिए हमारा सेलेक्ट किधर है, सेंटर में, ठीक है। इसे लेफ्ट में करने के लिए हम कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, कंट्रोल एल, देखिए लेफ्ट में आ गया, ठीक है। कंट्रोल ए मानी राइट में है, तो राइट में टेक्स्ट है, लेकिन इधर हमको लेकर आना है लेफ्ट में, तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ए। यही प्रेस करेंगे तो हमारा टेक्स्ट किधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो, मतलब कुछ भी को आप लेफ्ट में लेके आना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एल, तो क्या होगा, आप लेफ्ट में आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कंट्रोल प्लस एम।
इंडेंट बढ़ाने के लिए, अर्थात जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो देखिए वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे इसको इंडेंट यानी जो ये हमारा अक्षर लिखा हो इस एक लाइन वाला थोड़ा सा मतलब जो हमारा टैब के द्वारा कार्य होता है वो हमारे कंट्रोल एम के द्वारा हो सकता है। देखिए कंट्रोल एम, देखिए ये आगे बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो यही काम होता है कंट्रोल एम का इंडेंट बढ़ाने के लिए, अर्थात इसको एक लेवल में एक वर्ड को बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल एम का प्रयोग करते हैं इंडेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, और इसको हम फिर अपने कंट्रोल जेड से अपने फिर उसी स्थान पे आ जा रहे हैं। ठीक है, और कंट्रोल एन अगला है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से होता है नई फाइल बनाने के लिए, अर्थात हमें नया फाइल बनाना होता है अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एन तो एक नया पेज आ जाएगा। देखिए एक नया पेज आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एन का मतलब क्या होता है, न्यू पेज लेने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन करे उसको आप अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एन का काम होता है नया पेज लेने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, डॉट से यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और अगला है आपका कंट्रोल प्लस ओ, फाइल ओपन करने के लिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल पिछले बनाए हैं उसको ओपन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ओ तो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। देखिए कंट्रोल ओ पे हमने क्लिक किया तो ओपन हो गया, मैंने यहाँ पे जितना भी बनाया है सब यहाँ पे आ गया। ठीक है, आपका भी इसी तरह जितना देखिए सामने इधर कितना आ गया। ठीक है, अब अपने ब्राउजर में जाना चाहते हैं ब्राउजर में जा सकते हैं, और यहाँ पे देखिए जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बनाया है डेस्कटॉप पे मैंने जितना यहाँ पे बनाया है सब यहाँ पे मेरा आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप आ सकते हैं कंट्रोल ओ के द्वारा। ठीक है, जब भी प्रेस करेंगे कंट्रोल तो आप अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट पिक्चर उक्चर कुछ भी बनाए हो तो उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस वो क्लिक करेंगे। ठीक है, अगला है कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट कर प्रिंट निकालने के लिए। ठीक है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आप प्रिंट निकालना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप अपने साइबर कैफे से निकलवाते हैं उसी प्रकार से निकलवाने के लिए अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, देखिए तो ये आपके यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा प्रिंटर है, आप यहाँ पे अपने प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो प्रिंटर है वो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से आपको कौन सा पेज चाहिए, ए फोर पेज चाहिए, उसके बाद से ए फोर चाहिए कि ए फाइव चाहिए, ए थ्री चाहिए कि लीगल चाहिए कि लेटर वाला चाहिए, जो पेज चाहिए लीजिए। और उसके बाद से यहाँ पेज सेटअप हो गया, और उसके बाद आप प्रिंट पे ऑप्शन पर क्लिक करिए, आपका पेज क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसी तरह प्रिंट होकर आएगा, दो पेज में आएगा। ठीक है, और एक ये आएगा अगला पेज में, तीन पेज में। ठीक है, तीन पेज में आपका आएगा। ठीक है, आप जितना पेज में चाहे उतना पेज में ला सकते हैं, वहाँ पे लिया कस्टम पर कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके आप इसको एक पेज में भी ले सकते हैं, दो पेज में भी ले सकते हैं, पाँच पेज में भी ले सकते हैं। ठीक है, वो आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। तो कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद से अगला है आपका कंट्रोल प्लस क्यू, इंडेंट समाप्त करने के लिए, अर्थात जो भी हमारा इंडेंट ये आगे बढ़ जा रहा है कंट्रोल एम के द्वारा हमारा जो आगे बढ़ जा रहा है इसको समाप्त करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू दबाएंगे। देखिए कंट्रोल क्यू हम अपने पुनः अवस्था में आने के लिए। ठीक है, तो यही काम होता है कंट्रोल प्लस क्यू का कार्य। ठीक है, मतलब जो भी हम आगे गए हैं उसको पीछे लाने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू, यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं इसको आगे ले जाने के लिए कंट्रोल प्लस एम दबेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा, कंट्रोल क्यू दबेंगे तो जहाँ तक आएगा उसे पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो इसे इंडेंट बोला जाता है, इंडेंट इसको आगे करने के लिए। अगला है आपका कंट्रोल प्लस आर, अलाइन टेक्स्ट राइट करने के लिए। जो भी आपका टेक्स्ट लेफ्ट में है उसे राइट में करने के लिए कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड में। तो देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे और इसे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट किधर है, लेफ्ट में है, लेकिन इसे राइट में करने के लिए क्या करेंगे तो अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस आर। देखिए लेफ्ट में राइट में आ गया। ठीक है, कंट्रोल आर मतलब होता है लेफ्ट में, राइट में लेके आना। ठीक है, देखिए बीच में लाने के लिए कंट्रोल ई होता है, सेंटर में लाने के लिए या लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल एल, लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल एल दबना है, राइट में लाने के लिए कंट्रोल आर दबना है, सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई दबना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका कार्य करता है कंट्रोल आर। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है आपका कंट्रोल एस, फाइल सेव करने के लिए। जो ये आप बनाए हैं अपने, जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, फोटोशॉप में फोटो बनाते हैं, एक्सेल में अपना डेटा शीट बनाते हैं, उसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस अपने कीबोर्ड में दाब प्रेस करेंगे तो आपके सामने बक्सा खुल के आ जाएगा। ठीक है, और वो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, कैसे होता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए हम अपने प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, यहीं प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस तो आपके सामने सेव वाला बक्सा आ गया, इस पर आप क्लिक करके आप इसको जहाँ चाहें वहाँ सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगला है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी का काम होता है पेज पर हैंडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए, अर्थात जो आपका पेज है इस पर हैंडिंग इंडेंट बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल टी दबेंगे, कंट्रोल टी दबेंगे तो देखिए ये आपका हैंडिंग मतलब जो आगे की तरफ ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है हैंडिंग इंडेंट। ठीक है, उसी पर इंडेंट है लेकिन यह है हैंडिंग इंडेंट, मतलब आगे करने के लिए आप बैक स्पेस दबाते हैं, टैप दबाते हैं, उसके मतलब बगैर आप ये दाब सकते हैं कंट्रोल टी। ठीक है,
तो कंट्रोल टी का आप काम समझ गए होंगे, कंट्रोल टी का काम क्या होता है। ठीक है, अगला है आपका कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से होता है अंडरलाइन, अंडरलाइन। ठीक है, तो मानिए हमें अंडरलाइन करना है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, तो इसके नीचे क्या होगा, अंडरलाइन आ जाएगा। देखिए कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो इसके नीचे क्या हो गया, अंडरलाइन आ गया। ठीक है, तो कंट्रोल यू का काम होता है अंडरलाइन। किसी भी टेस्ट के नीचे आपको लेके आना है तो आप उसके नीचे क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल यू। ठीक है, इसको देखिए हम इसके इन सभी के नीचे लेके आना चाहते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल ए करेंगे, सभी सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, कंट्रोल प्लस यू, देखिए सभी के नीचे क्या आ गया, तो अंडरलाइन आ गया। ठीक है, कंट्रोल यू मतलब होता है अंडरलाइन। ठीक है, तो ये आपका अंडरलाइन आ गया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अगला है आपका कंट्रोल वी। वी से होता है टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, अर्थात जो भी आप अपने टेक्स्ट कॉपी किए हैं उसको आप पेस्ट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट पे आते हैं और मानिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से कॉपी करिए, कंट्रोल ए से सिलेक्ट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और इसको हमें पेस्ट करना है यहाँ पे, तो हम कंट्रोल क्या करेंगे, वी, कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक सेम टू सेम आएगा। कंट्रोल वी जाए प्रेस करेंगे फिर ये आते जाएगा। ठीक है, कंट्रोल वी का काम क्या होता है, उसको मतलब दोबारा उसी किसी भी टेक्स्ट को कट करके या कॉपी करके अनदर जगह पे पेस्ट करना कंट्रोल वी का काम होता है। ठीक है, एक टेक्स्ट को दूसरे स्थान पर ले जाना है काम कंट्रोल वी करता है आपका। अगला क्या है, कंट्रोल वी हो गया। अगला है आपका कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू का होता है फाइल क्लोज करने के लिए, अर्थात यही हम कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है क्या होगा, कट जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इसको कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। देखिए कंट्रोल डब्ल्यू किए, ये आप पूछ रहे हैं सेव करना है तो सेव करिए, ना तो यहाँ पे कैंसिल करिएगा, डोंट सेव करिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल डब्ल्यू का काम होता है बाहर निकलने के लिए, आप इसे सेम टू सेम कर सकते हैं, इससे डॉक्यूमेंट से बाहर निकलने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं, यहाँ पे क्रॉस करते हैं, उसके बगैर आप कंट्रोल डब्ल्यू भी कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल एक्स, टेक्स्ट कट करने के लिए, था जो भी आप टेक्स्ट कॉपी सेलेक्ट किए हैं उसको कॉपी कट करने के लिए, माने यहाँ से हमको इसको हटाना है। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल होगा, इसको हमको हटाना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हटाना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स कॉपी करेंगे तो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट क्या है, कट जाएगा। देखिए कंट्रोल एक्स करेंगे तो हमारा टेक्स्ट कट गया, आज कट गया ना, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, कट गया हमारा, वाई नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर उसको वापस लेने के लिए कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस काम होता है टेक्स्ट को कटने के लिए, यानी इसको निकालना है तो हम कंट्रोल एस करेंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, अगला है कंट्रोल वाई, रीडू करने के लिए। ठीक है, जो भी आपका डिलीट हुआ है उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। जैसे मानिए हमारे कंट्रोल एक्स है, इसको हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसको लाने के लिए हम कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो भी चीज़ हटा है, डिलीट हुआ है, वो फिर दोबारा आ जाएगा। देखिए कंट्रोल वाई से क्या होगा, दोबारा आ जाएगा, देखिए दोबारा आ गया। ठीक है, और कंट्रोल जेड से होता है अंडू करने के लिए। अंडू मतलब जो भी आपका टेक्स्ट गायब हुआ है वो भी आपका टेक्स्ट आ सकता है। जैसे मानिए कंट्रोल जेड है, इसको हमने हटा दिया और इसको लाना है तो कंट्रोल जेड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, लाने के लिए हटाने के लिए कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं रिड्यू और अंडू के लिए। अगला है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, नहीं इसको बोला जाता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट काम क्या होता है, फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर ले यहाँ पे और इसको हम कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, ब्रैकेट बड़ा साइज एंड ब्रैकेट दबाएंगे तो क्या होगा, इस जिसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है, तो ये होता है कंट्रोल बड़ा ब्रैकेट का। ठीक है, और कंट्रोल छोटा ब्रैकेट का काम क्या होता है, तो कंट्रोल छोटा ब्रैकेट काम क्या होता है, घटाना। देखिए घटते जा रहा है, ठीक है, इसे घटेगा और इससे बड़ा से बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ गए होंगे कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट कीज के बारे में। ये तो एडवांस मैंने बताया है फॉन्ट को बढ़ाने के लिए और फॉन्ट को घटाने के लिए। ठीक है, तो आप पहली बार चैनल पर विजिट किया है कंप्यूटर टेक चैनल पर, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और पीडीएफ पाने के लिए आप यहाँ पे टेलीग्राम पर चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आप सर्च कर सकते हैं कंप्यूटर टेक संजय, लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और तो आपको आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आ गया हो, कि आपको मैंने कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट की बता दिया, जो आपकी एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट आदि सॉफ्टवेयरों में काम आता है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए कंप्यूटर टेक संजय। जय हिंद, जय भारत।